दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रोम ब्राउजर से YT स्टूडियो कैसे लॉग आउट करते हैं। इसके लिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। पहले तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाता हूँ। आपको पहले क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन कर लेना है और उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है YT स्टूडियो को सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर में ही एक वेबसाइट दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है वो चैनल खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा ये चैनल खुल के आ चुका है। अगर नहीं आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है तो आपका एक सेटिंग गड़बड़ हो गया होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐप खुल के आ जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस ऐप के ऑप्शन पे क्लिक करके रखना है थोड़ा देर YT स्टूडियो को। और उसके बाद यहाँ पे आपको आई बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको इस सेटिंग्स को के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। आपको यहाँ पे नीचे आना है और आपको दिख जाएगा ओपन बाय डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगा ओपन सपोर्टेड लिंक का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो है यहाँ पे सिलेक्ट होगा अलाउ ऐप टू ओपन सपोर्टेड लिंक, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके रखना है डोंट अलाउ ऐप टू ओपन लिंक के ऑप्शन को, इसे सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक आ जाना है। अब दोस्तों आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये वेबसाइट पे ही आ जाएंगे आप, और यहाँ पे आपका चैनल खुल के आ जाएगा। अब आपको लॉग आउट करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन शो करा होगा प्रोफाइल आपका, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने दोस्तों आपका जो है प्रोफाइल खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारा ऑप्शन है, आपको क्या करना है, आपको साइन आउट का एक ऑप्शन दिखेगा, साइन आउट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लॉग आउट करने के लिए आपको साइन आउट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको जो है आपका अकाउंट यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो अकाउंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप दोस्तों अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक नया न्यू आया है, यहाँ पे अकाउंट नहीं है, आप देख सकते हैं साइन का ऑप्शन है। अगर आप इसे वेबसाइट को हटाना चाहते हैं youtube.com को, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, आप देख सकते हैं इस पेज पे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसे कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आप इस क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नया न्यू यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से लॉग आउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।